ओके तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज क्लास फोर्थ के लिए एक्सरसाइज टू। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के पहले कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ओके, तो व्हाट सेज द क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द टोटल अमाउंट इज द श्याम पेड इफ ही बोट एन अलमीरा फॉर 6,580 रुपीज एंड ए बेड फॉर 2,624 रुपीज। जो हमें जो डिजिट दी गई है ना, ये हमें देवनागरी के हिंदी डिजिट दी गई है, इसको हमें ऐड करना है। ओके, तो उसको टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट हम उसका फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तो शाम बोट अलमीरा, शाम जो अलमीरा खरीदता है वो करता है 6,580 रुपीज की, एंड शाम बोट द बेड, बेड के लिए पे करता है 2,624 रुपीज। ये करते हैं तो टोटल पेड बाय शाम, शाम ने कितना दोनों को पे करने के लिए कितना पे किया, तो शाम ने किया 9,240 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर हमें बताया गया है कि रामा वोटेड टेबल फॉर 3,450 एंड राधा वोट टेबल 2,960। स्टेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ द बोथ, इट मींस हमें इन दोनों की जो बाइंग परचेज है, इन दोनों ने जो जितने में राधा ने खरीदा है और जितने में इसने खरीदा है ना, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में 12 में हमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना। आई होप आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कर लेंगे। ओके ओके, हम जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर से करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ओके, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा सर? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट जो नंबर होता है सर, वो तुम्हारा 9,999 होता है। यही हमें करना है, 9,999 के सर, 9,999 हो गया। ओके, अब स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ओके, स्मॉलेस्ट जो फोर डिजिट नंबर है वो कौन सा होता है सर? यस, ये आपने क्या लिखा, 9,999? 9,999 है, 9,999। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, ये होगा। अब हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ, ओके, इसका सम ऑफ सम निकालना है, तो सर इसका सम निकाल लेंगे हम। तो सम क्या होगा इन दोनों का, सर ऐड कर देंगे। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इलिब्रेट करके लिख लेते हैं ना, इसको हम इलिब्रेट करके लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, 9,999, ओके, ये 99 आ गए। तो सर ये 9 आ गए हमारे, इसको ऐड करूंगा सर, ये भी 9 आएंगे सर, ये भी 9 आएंगे सर, 9,110 हो जाएंगे सर, ये 10 हो गया। तो 10,999 द सम ऑफ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 10,999। ओके बेटा, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर इन एग्जाम 264 एंड पास इन एग्जाम कितने हैं बेटा, 194। हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है कि फेल इन एग्जाम, जो बच्चे फेल हुए हैं फेल इन एग्जाम या फेल्ड इन एग्जाम्स में कितने बच्चे फेल हुए, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे।
सर फोर में से फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन विल बी जीरो। ओके अब सर यहाँ पे कितने बेटा नाइन और यहाँ पे कितने सर सिक्सटीन, तो सिक्सटीन में से नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आएंगे बेटा फर्स्ट टेल मी, जीरो सिक्सटीन में से नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो बेटा कोई तो आंसर दो, कोई भी आंसर नहीं देगा क्या सर? नाइन नाइन आएंगे क्या सिक्सटीन में से? सेवन नहीं आएंगे बेटा, इसका आंसर आएंगे सेवन, ये मेरा सेवन हो गया। अब टू सर ये वन बचेंगे सर यहाँ पे जीरो, तो टोटल सेल कितने स्टूडेंट है बेटा अच्छी तरह से बना देते ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा हमारे फेल्ड 70 स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम्स में, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 7 बचते हैं नॉट है ना 9। ओके क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लियर, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। ओके क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सेज द सम ऑफ टू नंबर इज, हमें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर इज एंड वन ऑफ देम इज फाइंड द अदर। हमने सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन अभी इसके जस्ट जो इसके जो क्वेश्चन थे ना नंबर सिस्टम के इसके पहले वाले में किए थे, वहां पे भी हमें टू नंबर्स का सम दे रखा था और एक नंबर दे रखा है फाइंड द अदर नंबर पूछा था। हम इसमें क्या करेंगे जो सम ऑफ द टू नंबर दे रखा है ना हमें क्या दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स बेटा दे रखा है। ओके सम ऑफ हमें टू नंबर्स दे रखा है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है नाइन सेवन थ्री टू, नाइन सेवन थ्री टू ये हमारा होगा सम ऑफ नंबर। तो उसमें से वन नंबर कौन सा है बेटा, वन नंबर इज थ्री सेवन फोर सिक्स, थ्री सेवन फोर सिक्स, थ्री सेवन फोर सिक्स। ओके अब हमें क्या करना है अदर नंबर फाइंड आउट करना है। ओके ओके वन नंबर हो गया हमारा थ्री सेवन फोर सिक्स, हमें करना है फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा बेटा हमारा, तो अदर नंबर होगा हमारा ओके बेटा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते ओके तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर क्या आएगा, देखो यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे ट्वेल्व है तो ट्वेल्व से वन कैरी लेंगे तो ट्वेल्व ट्वेल्व में सिक्स जाएंगे सर सिक्स, ओके सिक्स आ गए सर यहाँ पे टू, यहाँ पे क्या बोलते टू, अब टू है तो सेवन में से लेंगे ट्वेल्व, ट्वेल्व में से बेटा फोर जाएंगे तो सर एट, क्या बचेगा बेटा एट, ये सर अपना एट हो गया। ओके अब यहाँ पे क्या बचा सेवन, तो सर सिक्स हो गया यहाँ पे तो सिक्स इधर से वन कैरी लिया सिक्सटीन, और सिक्सटीन में से बेटा सेवन गए तो कितने बचेंगे, सिक्सटीन में से सेवन जाएंगे तो कितने बचेंगे जल्दी बोलो सर, नाइन कंफर्म कंफर्म नाइन बचेंगे सर फाइव, सर फाइव आप एक पे डिसाइड करो बेटा फाइव बचेंगे नाइन बचेंगे नाइन नाइन सर फाइव फाइव सब्ट्रैक्ट करके देखो ना, एक स्टूडेंट बोल रहा है फाइव नाइन ही बचेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे कितने बचे सर, यहाँ पे नाइन थे सर यहाँ पे क्या बचेगा सर एट, अब एट में से थ्री जाएंगे तो सर फाइव बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा फाइव, इसका आंसर ही आ गया। कोई डाउट है अब इस क्वेश्चन में आपको? ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है।